शेष पर्याय निर्वाचन पूर्व न्यूज एजेंसी एएनआई को साक्षात्कार देउछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नजर पकाई नवा सीधा कि हम खेलकूद में भी माइनॉरिटी के लिए कोटा फिक्स करेंगे। आज पंजाब के मेरे बच्चे जो खेल जगत के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बंगाल के मेरे नौजवान फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवान जो एथलीट्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अब वो अपनी जवानी उसमें खपा देते हैं। 10-12 साल की उम्र से लेकर के पहुँचने तक ये लोग इतना तप करते हैं जी, तपते हैं, शरीर को तपाते हैं, खिलाड़ी ऐसा नहीं बनता है जी। और सुबह रात को नींद नहीं आती, सुबह 4 बजे उठ करके चले जाते हैं। अब कहते हैं नहीं, ये माइनॉरिटी के लिए कोटा होगा, तो मेहनत करने वाला मेरा नौजवान जाएगा कहाँ जी, उनका क्या होगा? दूसरा उन्होंने कहा कि देश में अब जो टेंडर होंगे उस टेंडर में भी वे माइनॉरिटी के लिए आरक्षण करेंगे। मतलब ये हुआ कि आज मान लीजिए कोई कहीं पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज में कौन ब्रिज बनाएगा? तो जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, साधन है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, जो परफॉर्म कर सकता है, सारे उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी करता है, उसमें कंपटीशन होती है और कंपटीशन में जो निकलता है उसको टेंडर मिलता है। ये कहते नहीं, ये सब बाद में। अब मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से सिर्फ धर्म के आधार पर कोटा दे देंगे, वो ब्रिज बनेगा, लोग मारे जाएंगे, तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या वोट बैंक के लिए आप आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह करना चाहते हैं? तो ये ऐसे विषय थे जो कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक की खातिर मैदान में उतारे। तब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे दलित भाइयों के अधिकार के लिए लड़ूं, मेरे आदिवासी भाई बहनों के अधिकार के लिए लड़ूं, मेरे ओबीसी पिछड़े भाई बहनों के अधिकार के लिए लड़ूं, और इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तो ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि आप आए तो बिल्कुल आरक्षण ही खत्म कर देंगे, ये क्या, इस पर क्या बोलेंगे? इन्होंने ये पाप कर दिया है, उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, इसलिए उनको झूठ बोलने के लिए ऐसी चीज़ें का उपयोग करना पड़ रहा है। अभी कोलकाता हाई कोर्ट का सर एक ऑर्डर आया है जिसमें 2010 के बाद जितने ओबीसी सर्टिफिकेट बन रहे हैं उसको खारिज कर दिया है। इनके मोडस ऑपरेंडी है कि पहले इन्होंने कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया, पहले आंध्र में शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने तक में वो हार गए, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया, और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया, सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है, तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था, हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं, और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं हैं। ये जो स्थिति है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। सर, केजरीवाल जी अभी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ही तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, वो कहते हैं सोरेन को, और मुझे उनके इशारे पे जेल में डाला गया। ऐसा अच्छा होगा ये लोग संविधान पढ़ लें, देश के कानून नियम पढ़ लें, मुझे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सर, इस बार चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक पर्सनल अटैक्स बहुत हो रहे हैं, लाइक आप पर भी कई बातें बोली गई हैं,
और आपकी तरफ से भी कुछ लोगों को कुछ बोला गया है, तो पर्सनल अटैक्स किस लिए इस बार आपको लगता नहीं ये शैली नहीं होनी चाहिए चुनावों में? जहाँ तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियाँ खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। मौत का सौदागर किसने कहा था, गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियाँ देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियाँ देना, अब शब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। प्रधानमंत्री जी, एक आरोप विपक्ष और लगा रहा है कि ED, IT, CBI इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। मेरा मीडिया को सवाल है कि विपक्ष ने आपको ये कूड़ा कचरा पकड़ा दिया, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप हमारे पास पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले रिसर्च करें कि भाई सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए, जो कूड़ा कचरा फेंक रहा है उसको पूछो ना भाई, तुम ये जो कह रहे हो इसका सबूत क्या है, कानून नियम क्या है, उसको पूछो ना, उसकी आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप मेरे यहाँ आते हैं, ये ठीक है कि मैं रिसाइकल के मानता हूँ, तो मैं इस कूड़े कचरे का रिसाइकल करके उसको खाद में परिवर्तित कर दूंगा और उसमें से देश के लिए कुछ अच्छी चीज़ें पैदा कर दूंगा, इसलिए वो तो मैं करूंगा। लेकिन सरकार क्या करती है, प्रधान आज गांव के सरपंच को चेकबुक पर सही करने का अधिकार होता है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। ये इतना नॉलेज नहीं है इन लोगों को, देश के प्रधानमंत्री के पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। मोदी सरकार का मैंडेट क्या है? मोदी सरकार ने अपने अफसरों को कहा है कि मेरी सरकार करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस। अब ये दफ्तर के अंदर बैठे हुए लोगों का काम है कि उसको लागू करें। और सचमुच में तो किसी जमाने में 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 34 लाख रुपया पकड़े गए थे।